डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, हाई कोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार से 3 उच्च न्यायालयों हेतु नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। 3 उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के उच्च न्यायालय शामिल हैं। बता दें कि नियुक्ति के लिए इस कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की थी। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के नाम को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो वहीं मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति S वैद्यनाथन को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI द्वारा की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।